लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारी को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आभार जताया। शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लंबे समय से उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वायदा पूरा किया और ओपीएस की बहाली की। पहले तो प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, बिल्कुल वैसी ही ओपीएस। ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। और लगातार हमने लंबा संघर्ष किया था, अब एक सुख स्थिति में हम सभी हैं कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने ये जो पुरानी पेंशन पाई है, इसके लिए जो है हमारा जो संघर्ष था और जो संघर्ष में साथी रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, उन सबको बधाई देते हैं। देखिए, कुछ लोग अभी भी शायद ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है, खास करके ये वही लोग हैं जो पहले से ही खुद तो पुरानी पेंशन में थे, लेकिन नई पेंशन में आने वाले जो समय के कर्मचारी थे उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पेंशन है ये अब दे तो दी, अधिसूचना तो हो गई है, लेकिन शायद सरकार जो इसको नहीं दे पाएगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस तरह का गुमराह करने की कोशिश ना करें। जब सरकार ने अगर कोई फैसला लिया तो अब सरकार जो है पेंशन भी देने जा रही है, हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश के हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। के अकाउंट जो है बिल्कुल मैंने अप्लाई करना शुरू किया है, बहुत जल्द अकाउंट भी खुल जाएंगे। एजी में भी सरकार की जो है वो लेटर पत्र पहुंच चुका है, अब ये अकाउंट भी बहुत जल्द खुलना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल मॉडल जो है वो क्योंकि एक पूरे देश में एक बहुत शानदार मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही पेंशन बहाल कर दी गई है जो पेंशन जो है 2003 से पहले के कर्मचारियों को दी गई थी, और उसी पेंशन को जो है यहाँ रख दिया गया, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। एन स्टार न्यूज़ शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।